नमस्ते, आज हम जानने वाले हैं पेशाब करने के 5 ऐसे मुख्य टाइम, मतलब इन समय आपको पेशाब करनी ही करनी है। यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जोर लगा के पेशाब करनी है, बिना वेग के ही पेशाब करनी है, यानी कि जितनी आए उतनी ही करनी है, लेकिन करनी जरूर है। अब चूंकि यह हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि यह क्या बकवास बातें कर रहा है। अब तू हमें बताएगा कि हमें किस समय पेशाब करनी है, तो इन सब बातों को बगल में रखो। आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि उठते ही साथ पेशाब करना। अब कई लोगों को होता क्या है कि उनके पेट में मल का प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन पेशाब करने का वेग सुबह सुबह उठता ही उठता है, और 99% चांसेस है कि आपको सुबह उठते ही साथ पेशाब का वेग उत्पन्न होगा ही होगा। ये नेचुरली है, 7 से 8 घंटे के सोने के बाद शरीर में अपने आप ही ये वेग आता है, इसलिए उठने के बाद हमें पेशाब जरूर करना है। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह उठते ही साथ पानी पीते हैं तो ध्यान रखें कि पहले पानी पिए और फिर पेशाब करने जाएं, या अगर आपने पेशाब कर ली है तो कम से कम 20 मिनट जरूर रुकें और फिर पानी पिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 4th टाइम के बारे में, जो है नहाने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनियां हमेशा अच्छे तरीके से काम करते रहें, उन पर कोई भी लोड ना हो, तो आपको नहाने से पहले जितनी भी पेशाब आए उतनी कर लेना है। नहाने से पहले पेशाब करने का एक और फायदा यह है कि इससे हमारे शरीर की गर्मी शांत होती है, जो अनावश्यक गर्मी हमारे शरीर में पड़ गई है वो नहाने से पहले पेशाब करने से निकल जाती है। अब कई व्यक्ति करते क्या है कि उनको नहाने से पहले वो पेशाब अपने आप ही रोक लेते हैं, यानी कि उनको आ रही है फिर भी वो रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही पानी उनके शरीर में पड़ता है, शावर उनके शरीर में पड़ता है, तो अपने आप ही उनके शरीर में पेशाब का ऐसा भयंकर वेग उत्पन्न हो जाता है जिससे वो पेशाब कर ही डालते हैं। इसलिए हमें नहाने से पहले जितनी पेशाब आए उतनी करें और फिर स्नान करना शुरू करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3rd टाइम के बारे में, जो है संभोग करने के बाद। जब कोई विवाहित जोड़ा संतान प्राप्ति के लिए संभोग करता है, संसर्ग करता है, और फिर वीर स्खलन होने के बाद लिंग में कुछ ऐसे शुक्राणु रह जाते हैं जो कि वहीं जमकर रह जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारे मूत्र इंद्रियों पर उन बचे कुचे शुक्राणुओं को निकालने के लिए पेशाब करना अति आवश्यक बन जाता है। और इस बारे में कई बड़े वैद्य ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा लंबे समय तक बार बार करता रहता है, अब चाहे वह सिर्फ मजे के लिए या सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है, और ऐसा लगातार करता रहता है और वीर निकलने के बाद वो पेशाब नहीं करता, तब उनको पेशाब करने में बड़ी दिक्कत आने लगती है, यानी कि हमारे मूत्र इंद्रियों पर ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए संभोग के बाद जितनी पेशाब आए उतनी जरूर कर ले। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 2rd टाइम के बारे में, जो है खाना खाने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो खाना खाया है वह बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम स्मूथ तरीके से डाइजेस्ट हो सके, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम कभी भी ना हो, तब भी आपको भोजन करने के बाद पेशाब जरूर करना है, या जितनी भी पेशाब आए उतनी तो जरूर ही करना है। अब खाना खाने के बाद जैसा कि हमारा पेट पूरी तरीके से भर जाता है, तब हमारे पेट को थोड़ी सी जगह देने के लिए पेशाब करना तो लॉजिकली बनता ही बनता है, लेकिन इसके 2 मुख्य कारण मैंने अभी बता दिए, यानी कि आपका डाइजेशन और आपकी डायबिटीज। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 1st समय के बारे में, जो है सोने से पहले। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम ना हो, आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या ना हो, आपको एक परफेक्ट नींद आए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप आधी रात में उठना नहीं चाहते, तब सोने से पहले जितनी भी पेशाब आए आपको जरूर कर लेना है। इसमें जिन व्यक्तियों को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीजों के लिए ये बताया जाता है कि उनको सोने से पहले जितनी भी पेशाब आए उतनी तो जरूर कर लेना है। इसके साथ ही उनको अपने पैर पर ठंडा पानी जरूर डालना है। इससे होता क्या है कि ठंडा पानी डालने से और जितनी पेशाब आए उतनी करने से हमारे शरीर की गर्मी शांत होती है, हमारा पेट हल्का होता है, और आपको भी पता है कि पेट में भारीपन पड़ जाने के कारण और शरीर में अधिक गर्मी पड़ने के कारण व्यक्ति को स्वप्न दोष हो जाता है, इसलिए आपको सोने से पहले जरूर पेशाब करना ही करना है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना 5 टाइम के बारे में, जिस समय हमें जरूर पेशाब करना चाहिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।